अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोग एक बात तो जान ही गए होंगे अब तक कि कराची सर्कुलर रेलवे का फेज़ वन स्टार्ट हो चुका है और अब ट्रेन कराची सिटी रेलवे स्टेशन से नहीं बल्कि औरंगी रेलवे स्टेशन से लेकर धाबाजी तक चलना शुरू हो गई है। तो ये फेज़ यानी कि फेज़ वन जो है ये 19 नवंबर 2020 को स्टार्ट होना था, लेकिन 19 नवंबर से पहले जब इस ट्रैक की एक बार फाइनल इंस्पेक्शन की गई तो उसमें एंड टाइम पर रेलवे ने ये फैसला किया कि अभी KCR को औरंगी रेलवे स्टेशन से नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ट्रैक्स में काफ़ी काम था और रास्ते की तमाम लेवल क्रॉसिंग्स वगैरह भी नहीं बनी हुई थी। तो इसीलिए KCR की ट्रेन 19 नवंबर से तो नहीं चल पाई और फिर रेलवे ने कराची सिटी स्टेशन से लेकर औरंगी रेलवे स्टेशन तक तमाम लेवल क्रॉसिंग्स पर काम करना शुरू कर दिया। इसी के साथ ही तमाम रेलवे स्टेशन्स की रेनोवेशन का काम भी शुरू कर दिया गया और फाइनली 10 फरवरी 2021 को KCR की ट्रेन का फेज़ वन अचानक खोल दिया गया। अचानक खोलने का मतलब ये कि ना ही इसकी कोई डेट वगैरह अनाउंस की गई और ना ही इसका कोई इनॉग्रेशन वगैरह हुआ। तो 10 फरवरी के बाद से मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे, जिस वजह से मैं जाकर वीडियो नहीं बना पाया और ना ही इसमें ट्रैवल कर पाया। लेकिन 17 फरवरी 2021 को अपने एग्ज़ाम्स वगैरह से फारिग होने के बाद मुझे ये मौका मिला कि मैं इसमें सफ़र करूं, यानी कि ठीक 7 दिन बाद मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ। तो मैंने ये सफ़र अपना एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से लेकर औरंगी रेलवे स्टेशन तक किया था KCR की 2 डाउन ट्रेन में और इस दिन ट्रेन के लीड पर लगा हुआ था GMU 34712। तो ये एयरपोर्ट से लेकर औरंगी रेलवे स्टेशन तक का कंप्लीट जर्नी का व्लॉग मुझे आज अपलोड करना था, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से वीडियो एडिट नहीं हो पाई है। तो अब मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि कल यानी कि 19 फरवरी को मैं अपना व्लॉग अपलोड कर दूँ। तो अल्लाह ना करे अगर 19 को भी नहीं आ पाया तो 20 को तो डेफिनेटली ही आ जाएगा। तो अब वीडियो का टाइटल देखने के बाद आप लोग एक्साइटेड तो होंगे एक पैरेलल एक्शन देखने के लिए, तो वो एक्शन भी अब हम जल्द ही देख लेते हैं। तो दोस्तों, कराची सिटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर इतने सारे KCR के कोचेस देखकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि सीन कुछ ये था कि KCR 1 अप और KCR 2 डाउन दोनों ट्रेन्स अपने अपने रूट पर चल रही थीं और इसके अलावा भी KCR के इतने सारे कोचेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़े हुए थे। इसी तरह KCR के काफ़ी सारे कोचेस कराची सिटी रेलवे स्टेशन की वॉशिंग लाइन पर भी खड़े हुए हैं, जिनको मैं अभी अभी अपनी ट्रेन से ही पीछे देख कर आ रहा हूँ। यानी कि कराची सर्कुलर रेलवे के काफ़ी सारे कोचेस कराची पहुंच चुके हैं और कराची की आवाम को एक अच्छा और एक आरामदेह सफ़र करवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो दोस्तों, 8:55 पर हमारी ट्रेन ने कराची सिटी रेलवे स्टेशन से डिपार्चर किया और अब हम पहुंचने वाले हैं नेटिव जेटी ब्रिज के नीचे, जहां पर एक शार्प कर्व के ऊपर हमारा एक अच्छा पैरेलल एक्शन होने वाला है एक फ्रेट ट्रेन के साथ। तो चलें अब आप लोग मेरे साथ साथ वो पैरेलल एक्शन इन्जॉय करें जिसको देखने के लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है।
तो दोस्तों ये केपीडी का रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर अभी स्टेशन पर काफ़ी काम चल रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ट्रेन पहुँच रही है केपीडी रेलवे स्टेशन पर। जबकि इससे पहले आपने देखा कि काफ़ी अच्छा पहला कनेक्शन हो गया हमारा एक फ्रेट ट्रेन के साथ। तो कराची सिटी रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद पहला स्टेशन आया है केपीडी का। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ ही इंशाल्लाह कल या परसों तक इस पूरे जर्नी का व्लॉग मेरे चैनल पर आ जाएगा, तो देखना नहीं भूलिएगा। और अगर KCR आपके रूट में पड़ती है तो इसमें सफ़र करने से बिल्कुल ना घबराएं। ये एक अच्छा, सस्ता और एक आरामदेह सफ़र है कराची के आवाम के लिए, और आप जितना इसमें सफ़र करेंगे KCR को उतना ही फ़ायदा होगा। और आने वाले वक्तों में इसी फ़ायदे से KCR एक अच्छी ट्रेन साबित होगी कराची के आवाम के लिए, और इसमें मज़ीद बेहतरी भी आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।